सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपके साथ मैं हूँ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त में की गई 24 घंटे की एम्बुलेंस सेवा। एक तरफ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं इस लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार की समस्या सामने आई है। ऐसी ही गर्भवती महिलाओं को हो रहे यातायात साधन में समस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने उन गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा 24 घंटे शुरू की है। विशेष बात ये रही कि जहां इस लॉकडाउन में एक ओर बड़े बड़े समाज सेवक दानशूर व्यक्ति लोगों को दो वक्त का खाना मुहैया कराकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष शेट्टी ने महिलाओं की समस्या को देखते हुए एक नई पहल की है। बता दें कि यह एम्बुलेंस सेवा पूरे भिवंडी शहर में मुफ्त में चलाई जाएगी। इस लॉकडाउन की कालावधि में यह सेवा लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, वो भी माहिर नर्सों के साथ। यहां इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी अध्यक्ष संतोष शेट्टी के साथ भाजपा पश्चिम विधायक महेश चौगुले, डॉक्टर पूर्णिमा श्यामलेटी, डॉक्टर श्रीपाल जैन व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन हो रहा है, ये देखने को मिला। जिसे एम्बुलेंस की जरूरत हो वो इस नंबर पर संपर्क करके एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 02522254141 और मोबाइल नंबर 9067564061 पर कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं शिवम झा की विशेष रिपोर्ट। गणपति बप्पा। करण्यात आली ही ॲम्ब्युलन्स भिवंडीपासून कुठेपर्यंत जाणार आहे आणि कुठल्या पेशंटसाठी ही अवेलेबल असणार ही आज ॲम्ब्युलन्सची ओपनिंग करण्यात आली, कारण आज IGM हॉस्पिटल आहे ते क्वारंटाईज केलेलं आहे, तर तिथे आपले कोरोनाचे जे पेशंट आहेत तिथे ठेवण्याकरता, म्हणून तिकडे दर महिन्याला काहीतरी 600-700 पेशंट यायचे डिलेवरीचे, तर ते पेशंट आज इकडे तिकडे त्यांना जायला महापालिकेने व्यवस्था केलेली आहे हॉस्पिटलची दुसऱ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलची, पण तिकडे जायला आज रिक्षा बंद आहेत, कुठलं साधन नाही, म्हणून आज त्या साधनासाठी तर रोज कमीत कमी माझ्या अंदाजे 20-25 लोक पेशंट असतील डिलेवरीचे, तर त्यासाठी आज आमच्या भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष संतोष शेट्टीच्या माध्यमातून आज ही ॲम्ब्युलन्स केली, का कोणीही पेशंट असेल त्याला 24 तास आमची ॲम्ब्युलन्सचा हे हेल्पलाईन नंबर चालू असेल त्यांनी या फोन करावा आणि आम्ही त्यांच्या दरवाज्यात जाऊन त्यांना सुखरूप जिकडे आहे तिकडे, कारण का डॉक्टर आहेत, नर्स आहेत, सगळे इथे या ॲम्ब्युलन्समध्ये लावलेले आहेत, सुखरूप तिकडे त्यांची डिलेवरी चांगल्या पद्धतीने होण्याकरता हे आज एक कार्यक्रम केलेला आहे। म्हणजे आता गेले एक महिन्यापासून कोरोनाची लढाई लढतो, जो खूप मरीची लढाई लढतो, हे दोन लढाई तो लढले आहे, लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत से हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंसी लोग का कोई साधन नहीं है, रिक्शा सब बंद होने के बाद और बहुत हालत ख़राब है, पेट्रोल पम्प भी बंद है, जहाँ भी जिसको कार्ड है जो सोचते हैं उनको दिए, तो हम लोग ने पार्टी ने ऐसे नियोजन किया, आमदार अब सब मिलकर हम लोग एक ऐसा एम्बुलेंस बनाए जो 22 जो हमारा दायरा है भिवंडी शहर का, उसी में वो पेशेंट को जहाँ जहाँ भी आएगा कॉल वहाँ पर 24 घंटा सुविधा है, जिसमें गाड़ी पूरा साधन ग्लाउज से लेके कोरोना से लड़ने के भी, जब एक लेडी को प्रेगनेंट रहती है तो अंदर उसके अच्छा ही पलता है, दोनों का प्रिकॉशन लेने के सब साधन हम लोग उसमें रखे, और 24 घंटा जब भी अलग से कॉल सेंटर और एक उसके नंबर दिए हम आपके माध्यम से, वगैरह हम लोग उसको 24 घंटा कोई चार्ज नहीं विद डॉक्टर नर्स सब फैसिलिटी। सिर्फ डिलीवरी के लिए ही यूज़ किया जाएगा कि अन्य पेशेंट जो सीरियस पेशेंट है उसके लिए भी? नहीं, ओनली डिलीवरी, इसका मकसद ये है कि अन्य के चक्कर में पड़ना नहीं, एक हम पूरा भी नहीं पड़ सकते, एक ही मुद्दा लिए जिसका दो जान बच सकता है, एक वो माँ और बच्चा जो बहुत ज़रूरी है, तो पूरा फोकस उसमें रख के पूरी उसको ही है, कोई भी इसके लिए कोई दूसरा कुछ कोई यूज नहीं करे, वो भी खाली 22 के अंदर ही, ऐसा लगा बहुत अर्जेंट है कि उनको हो सकता है कुछ नुकसान हो सकता है तो जा सकता है गाड़ी, नहीं तो बाकी भी नियोजन हम लोग करके रहे। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए सत्यवार्ता टीवी न्यूज के साथ।